हमारी परम आदरणीय सब जोन इंचार्ज राजयोगिनी विद्या दीदी जी वो आकर के मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगी। विद्या दीदी इसके पश्चात परम आदरणीय हमारे राजयोगी भ्राता सूरज भाई जी का मैं अनुरोध करूंगी कि वो आकर के मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। सभी जोरदार करकल ध्वनि से स्वागत करेंगे। पर्वत भी से स्वागत में आपके ये फूल मुस्कुराए हैं, स्वागत में आपके। आध्यात्म ज्ञान चाहिए परिवर्तन के लिए, वो तोहफा प्रभु ले आए हैं, स्वागत में आपके। पर्वत भी से नवाए वे आज हम सबके बीच में पधारे हैं, तो मैं अनुरोध करूंगी हमारे बीच में बहन जी हैं अंशु बहन, जो कि गुलदस्ते से भाई साहब का स्वागत करेंगी, और हमारे बीच में ब्रिगेडियर राहुल भटनागर भाई साहब भी हैं। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगी कि आप भाई जी का शॉल के द्वारा सम्मान करेंगे। फिर अरावली से ज्ञान का सूरज है झांकता, नवयुग की नई सदी की नव किरणें है बांटता। फिर अरावली से ज्ञान का सूरज है झांकता, नवयुग की नई सदी की नव किरणें है बांटता। मूल्यों का हार लाए हैं स्वागत में आपके, ये फूल मुस्कुराए हैं स्वागत में आपके। पर्वत भी से नवाए भगवान के अभियान में आगवान है आपका, अनगिनत हृदय में ऊंचा है स्थान आपका। भगवान के अभियान में आगवान है आपका, अनगिनत हृदय में ऊंचा है स्थान आपका। ये दीप हम जलाए हैं स्वागत में आपके, ये फूल मुस्कुराए हैं स्वागत में आपके। मैं दीदी से हमारी जोन इंचार्ज परम आदरणीय राजयोगिनी विद्या दीदी से अनुरोध करूंगी कि थोड़ा सा संक्षेप में योग भट्टी के बारे में बताएंगी और फिर कार्यक्रम स्टार्ट होगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज का दिन एक विशेष दिन, ऐतिहासिक दिन कहेंगे,
चौबा कहता है बाहर में हलचल हो और आप सबके पास अचल स्थिति हो। तो वर्तमान समय वही चल रहा है कि बाहर में हलचल है, भट्टी तपस्या भट्टी, भट्टी माना ही परिवर्तन, भट्टी माना तपना और भट्टी माना अच्छे से पक जाना, अपनी स्थिति को पक्का बनाना। आप सभी आए हो सूरज भाई को सुनने के लिए, अनुभव करने के लिए, और अनुभव एक क्षण के लिए नहीं होता है। अगर मिट्टी का घड़ा भी भट्टी में पड़ता है, तप जाता है, पक जाता है, तो एक क्षण के लिए नहीं होता कि अभी पक गया और परिस्थिति आ जाए तो कच्चा हो जाए। तो कच्चा घड़ा नहीं, पक्का घड़ा बनना है। कच्ची ईंटों से इमारत नहीं बनती, पक्की ईंटों से बनती है। इतना पक जाए, इतना पक जाए जो आने वाली दुनिया के लिए हम क्या बन जाए, पकी हुए ईंट बन जाए, तपे हुए बन जाए, सोना सच्चा सोना बन के निकलें। इस लक्ष्य से सूरज भाई की आप सभी बातों को सुनेंगे, सुनने के साथ समाएंगे, समाने के साथ मनन चिंतन करेंगे, फिर उसका स्वरूप बन करके दिखाएंगे। तो ऐसी तपस्या भट्टी सबको एकाग्र मन से बैठ के करना है और आप सभी उसका अनुभव करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। मैं हमेशा सोचता हूँ जहाँ महान आत्माएं बैठी हों, चाहे वो सो ही क्यों ना हो, बहुत हैं, हैं या नहीं, एक एक महान आत्मा। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाएंगे, वॉल्यूम और भी पास टच हो जाएगा। मैंने अयोध्या में भी कल प्रोग्राम था, साधु संत भी थे तो एक बात कही, वहाँ अयोध्या को अब अयोध्या जी कहते हैं। सुना आप लोगों ने अयोध्या जी? मैंने कहा किसी महापुरुष के होने से वो नगरी भी जी वाली हो जाती है, और जहाँ इतनी महान आत्माएं हों संसार क्या हो जाएगा, महान तीर्थ। हम सभी जितने महान बनेंगे हमारा देश महान तीर्थ बनेगा। बीच में गड़बड़ तो होती रहेंगी, और भी ज़्यादा होनी है, हम जानते हैं, लेकिन इन्हीं से एक शांति का मार्ग, पवित्रता का मार्ग, सुखों का मार्ग निकलेगा, निकल रहा है। तो आज हम सभी पहले चिंतन करते हैं। क्लासेस तो आप बहुत सुनते ही हैं, थोड़ा चिंतन, अपने से बात करेंगे। मेरा जीवन बहुत मूल्यवान है, सब अपने से बात करें। है, है क्यों, क्यों? हाँ ठीक उत्तर है, और बोलो क्यों, बोलो क्यों। देखो कैसा सुंदर समय आया है भगवान धरा पर, हम उनके सामने, हमने उन्हें पहचाना, उसने हमें श्रेष्ठ भाग्य बनाने का मार्ग बता दिया। बाबा की बहुत अच्छी बात, क्यों मूल्यवान है? बाबा कहते हैं बच्चे मेरे से जो चाहो ले लो। सुने हैं ना माँ बाप, साकार मूल्यों बहुत आते हैं। इतना मूल्यवान है हमारा जीवन कि जिसमें भगवान हम सबको अपना अधिकार दे रहा है, मांगने की जरूरत नहीं पड़ रही है। मांगना भी तो नहीं आता था, छोट छोट चीज मांगते थे। जीवन बहुत मूल्यवान है, स्वीकार करें सभी। इसलिए ये जीवन व्यर्थ संकल्पों में न बीते,
समय बहुत मूल्यवान है, ये समय ऐसे ही ना निकले। बाबा ने समय की बहुत कीमत गिनाई है हम सबको। तुम्हारा एक एक मिनट एक एक वर्ष के समान है, सुना है ना? जिन्होंने नहीं सुना वो सुन ले। बहुत कीमती समय जिसमें हर पल हम अपना भाग्य बना रहे हैं। आज की मुरली सुनी है? किस किस ने सुनी है? क्योंकि आपको यहाँ आना था तो सबने नहीं सुनी है। थोड़े से बता देता हूँ। पूज्य और राज्य अधिकारी, बहुत बड़ा भाग्य मिल रहा है। और एक राज बताया बाबा ने, जो जितना राज अधिकारी बनता है उतना ही पूज्य बन जाता है। अष्टरतन सबसे बड़े इष्ट बनते हैं, जिसमें पहला नंबर ब्रह्मा बाबा जो श्री कृष्ण, उनकी पूजा का वर्णन किया बाबा ने। बच्चे के रूप में, युवका के रूप में, गोप गोपियों के साथ, लक्ष्मी नारायण के, राधे कृष्ण के रूप में कितनी पूजा है, हर कर्म की पूजा। क्योंकि हर कर्म योग युक्त होकर किया है तो हर कर्म की पूजा हो गई। उसी में बाबा ने सभी खजानों से स्वयं को भरपूर करना है। चार खजाने गिनाए, ज्ञान का खजाना, गुणों का, शक्तियों का और समय का। समय भी खजाना है ना। बच्चे का एग्जाम चल रहा है, 3 घंटे का समय है, 3 घंटे उसके लिए कितने मूल्यवान होते हैं, होते हैं या नहीं? सोचते हैं और 1 घंटा मिल जाता तो बड़ा अच्छा रहता। कितना जल्दी जल्दी करना पड़ता है। हमारा समय बहुत मूल्यवान है। एक एक क्षण प्रभु मिलन का सुख लिया जा सकता है तो सभी अपने जीवन को, जीवन में समय को और संकल्पों की वैल्यू को समझें। साधारण न बिता रहे हो, बातों में न बीत रहा हो समय, उलझनों में न बीत रहे हो ये सुंदर क्षण, चिंताओं और परेशानियों में न गुजर रहा हो ये अनमोल जीवन। सोचो, सभी चिंतन करेंगे, क्या लेना है मुझे बाबा से आज? पक्का कर लें, यहाँ सब पक्का करें, क्या लेना है मुझे बाबा से, संगम पर भी और भविष्य में भी। संगम की प्राप्तियाँ भविष्य की प्राप्तियों से भी आगे हैं। वो अभी ब्राह्मणों को पता नहीं चल रहा है, 5 साल में पता चल जाएगा। क्या चलेगा पता? जिन आत्माओं ने बहुत श्रेष्ठ पुरुषार्थ किया है, जिन्होंने अपने इस अलौकिक जीवन को सफल किया है, जो योग युक्त जीवन बना चुके, जो बहुत पवित्र हो गए, साक्षात्कार होंगे उनसे, तब पता चलेगा वो सुख, वो आनंद, वो परम सुख परम आनंद बहुत बड़ा होगा। वो समय आ रहा है। अब हमारे लिए केवल विनाश का समय नहीं होगा, परम आनंद। आप सबने सुना है महादेव जब तांडव नृत्य करता है ऊपर, तब नीचे विनाश का तांडव होता है। तो शंकर किसकी यादगार है? हम सब महान तपस्वियों की। जब हम परमानंद में डांस करने लगेगा हमारा मन, तब यहाँ तांडव नृत्य होगा। इसलिए बहुत श्रेष्ठ प्राप्तियाँ अब होने वाली हैं, हो रही हैं, हो रही हैं। बोलो, हो रही हैं प्राप्तियाँ। सोचना है, ये सुख बहुत ज़्यादा प्राप्त करना है। क्या करेंगे?
पसंद है अपने जीवन को वैल्यू देना। अगर आपको समस्याएं हैं, अगर आपको बंधन हैं, माताओं को बंधन बहुत रहते हैं, कुछ ने खुद को बांधा हुआ है, कुछ को बंधनों ने बांधा हुआ है। क्या हाल है माताओं का, बोलो। कुछ को खुद ने बांधा हुआ है, सबसे बड़ा बंधन संकल्पों का ही तो है। एक बहन का फोन आ गया, आज किसी का फोन नहीं आ रहा था, मैं सोचा ये नेटवेट बंद है यहाँ, अच्छा शांति है। आते आते एक का फोन आया अमेरिका से, मैं बहुत दुखी हूँ भाई जी। क्यों दुखी हो? 6 मास पहले ही शादी की थी, लव मैरिज, अब झगड़े हो रहे हैं बहुत। मैंने कहा ठीक है, वो तो अब तुमने प्यार किया है, अब तुम जानो, मैं उसमें क्या करूँगा भाई। मैंने कहा क्यों झगड़े? पति शराब, वो सिगरेट बहुत पीता है, इस पे झगड़ा है। सोच लो अब आप, मैं केवल आपको इसलिए सुना रहा हूँ, पति सिगरेट पीता है। मैंने कहा अरे पीने दो ना, क्यों झगड़ती हो उससे? वो कहती नहीं पीना है घर में, क्यों पी के आए, बिल्कुल बंद करो, उससे रोज झगड़ती है और कह रही है कि पति मुझे तंग करता है। देखो समस्या। मैंने उसको समझा छोड़ दो ना, पीने दो बेचारे को, सुख से तो रहो। तो कहाँ बंधन हुआ? मनो सपने को खुद ही बांधता है, खुद ही परेशान करता है, खुद ही गिराता है, खुद ही चढ़ा। समझ लेने की है, ठीक है या नहीं? माताओं को बंधन रहा, बाबा के समय से रहा, 60 साल से रहा। कई माताएं बाथरूम की लाइट जला के मुरली पड़ती थी। मैं आपको एक हंसी की कहानी सुना दूं, गीता बहन के गांव की है, गीता पाठशाला इनके घर में। पति माताजी को आने नहीं देता था, एक दिन दरवाज़ा बंद करके ताला लगा दिया अंदर से। तो देखो माताएं, माताओं की सोच लो, बंधन है या क्या है? अभी वो ताला बंद करके अपने कमरे में बैठ गया, मज़े से हुक्का पी रहा है। अब तो जाएगी नहीं, देखता हूँ क्या करेगी। माताजी ने देखा वो सीढ़ी होती है गांव में, ये बांस की सीढ़ी लगाई, अपनी छत पे चढ़ी, सीढ़ी ऊपर खींची, दूसरी तरफ नीचे गिराई, नीचे उतरी, आ गई क्लास करने, क्लास करके गई, सीढ़ी लगी हुई थी वापस चढ़ी, सीढ़ी इधर लगाई, वापिस उतरी। तब तक उसके क्रोध का पारावार नहीं था, पति के बुजुर्ग था वो भी। वो बुग्गी होती है जिस पे गन्ना लाते हैं, उसमें डंडे से होते हैं मोटे मोटे, एक निकाला उसकी कमर में जोर से मारा, अब वो सीधी हो गई, टेढ़ी चलती थी। कमर दर्द ठीक हो गया? कहा एक और मार दो बस ठीक हो जाएगी। हाथ जोड़ने लगा, तुमसे भगवान बचाए। अब बोलो बंधन है या नहीं? मन कमजोर है तो बंधन है, मन शक्तिशाली है तो 1000 मार्ग हैं। मैं कन्याओं को कहा करता हूँ, सुन ले कन्याएं, बात तो थोड़ी सी भारी है। मैं कहा आजकल की कन्याएं गलत काम करने में माँ बाप की चिंता नहीं करती हैं, ठीक बात है? और तुम भगवान के कार्यों में लगने में क्या क्या सोच रही हो? जब वो अपवित्रता का मार्ग चुनने में किसी की नहीं सोचती, माँ को रोती छोड़ के चली जाती है, तो तुम पवित्रता के मार्ग पर चलने में रुक क्यों रही हो? सोचने की बात है ना। बंधन केवल मन का है, मन शक्तिशाली हो तो कोई बंधन नहीं है। तो हम सभी अब समय का पूरा फायदा उठाएंगे, उठाएंगे, अपने को श्रेष्ठ योगी बनाना है। मैं वो बात कह रहा था, अभी अभी मुरली में आया, साकार मुरली में आया है। साकार मुरलियों में कितनी गहरी बात आती है, जो बहुत पवित्र बन जाएंगे उनके ही साक्षात्कार होंगे।
राज बताता है बाबा, गुये राज बताता है, तो बनना है या नहीं? संपूर्ण पवित्रता का मार्ग साधनाओं का मार्ग है, वो एक दिन में नहीं आती, वो समय लेगी, लेकिन बनेंगे कौन? बोलो, हम नहीं बनेंगे तो? जो देवता रहे 2500 साल, उनके अंदर ही तो देवत्व है, उनके अंदर ही तो प्योरिटी है, वो बीज, स्ट्रॉन्ग बीज अंदर पड़े हुए हैं, उसको अंकुरित करना है। स्ट्रॉन्ग बीज पड़े हुए हैं, सभी विचार कर लें, हमारे अंदर शक्तियाँ भी बहुत हैं। मैं तो कहता ही था, कल मैं एक सन्यासी के मुख से सुन के मुझे लगा कि देखो, बातें सब लिखी हैं लेकिन लोग उनको अपना नहीं पाए। वो कह रहा था, शक्तियाँ तो सबके अंदर बहुत हैं, कोई जगाने वाला गुरु चाहिए। हमारे अंदर तो वैसे ही बहुत शक्तियाँ हैं, और हमें जगाने वाला परम सद्गुरु भी सबसे अच्छा मिल गया है, जो रोज जगा देता है। तो जगाएं अपनी शक्तियों को, संकल्प कर लें, मैं माया से अधिक शक्तिशाली हूँ। क्या विचार है, माया शक्तिशाली या मैं? पीछे वाले, हम शक्तिशाली हैं, माया शक्तिशाली नहीं है। माया कैसे शक्तिशाली बन जाती है? हंसी की बात बता रहा हूँ। बाबा ने अभी पीछे क्या कहा था, तुम योग में भोजन नहीं खाते, तुम्हारा भोजन माया खाती है, पावरफुल हो जाती है, लड़ती है फिर। ये तो बाबा सिखाता है, ये लैंग्वेज है बाबा की, हमें सिखाता है कि योग युक्त होकर भोजन खाओ। माताएं बहुत बैठी हैं, मैं तो सब माताओं को कहूँगा, ऐसा समय आ रहा है जब दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं। कितने लोग आते हैं, इलाज करा करा के थक गए, कुछ नहीं हो रहा है। डॉक्टर खुद बताते हैं, दवाइयाँ रेस्पॉन्स नहीं दे रही हैं, काम नहीं कर रही हैं, क्योंकि मनुष्य के अंदर की शक्तियाँ ही कमज़ोर पड़ गई हैं। और ऐसा समय जल्दी आ जाएगा जब दवाइयाँ बिल्कुल काम नहीं करेंगी, तो क्या काम करेगा? नहीं, कुछ और। ठीक बोला, क्या काम करेगा? भोजन। सब माताओं को बिना पढ़े डॉक्टर बन जाना है। मेडिकल करने में तो कितना खर्च होता है, और कितने साल लगाते हैं डॉक्टर लोग, पता कितने साल लगते हैं। मैं दांतों वालों को हंसा करता हूँ कभी, 4 साल पहले BDS, फिर 2.5-3 साल MDS, 8 साल समझ लो। मैंने कहा, एक समय था दांत ऐसे ही लोग निकाल देते थे बिना पढ़े लिखे। बात निकालने की नहीं, जो भी ट्रीटमेंट है फटाफट कर देते थे ना लोग गांव में। अब 8 साल पढ़ते हैं, फिर भी कभी कभी दांतों की ट्रीटमेंट नहीं कर पाते। तो कैसे बनाएंगी भोजन को औषधि? कौन कौन बनाना चाहती हैं बोलो, सच सच। आप अगर भोजन को औषधि बना दो तो आपके घर में कोई बीमारी नहीं ठहरेगी, हल्की हो जाएंगी सब। जरा सी दवाई खाएंगे और भोजन के प्रभाव से फटाफट ठीक होंगे, दोनों का काम चलेगा। ये नहीं दवाई बिल्कुल छोड़ देनी है, लेकिन भोजन को औषधि बनाओ। भोजन कैसे बनाएंगे? योगी तो नहीं रहता, तो मैंने दूसरी विधि डेवलप की फिर। बोलो, सुना है आप सबने, कौन सा स्वमान? मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, और बाबा का आह्वान कर लो। शुरू में बाबा को याद करो, उसका आह्वान करो, और फिर ये अभ्यास करते हुए, ये याद करते हुए भोजन बनाओ।
तो भोजन हमारे वाइब्रेशंस को जल्दी ही ग्रहण कर लेता है। इधर दरवाजा आ जाना हो तो भोजन हमारे वाइब्रेशंस को जल्दी ही ग्रहण कर लेता है, तुरंत पानी, भोजन, दूध फटाफट वाइब्रेशंस को ग्रहण करते हैं। और पवित्र वाइब्रेशंस सबसे बड़ी औषधि है। आप अगर उन्हें भोजन में भर देंगे तो खाने वालों के न केवल चित्त शांत होंगे लेकिन बीमारियां भी ठीक होंगी। और खाते हुए, योग में भोजन खाना है, लेकिन शुरू में भोजन को दृष्टि देकर 7 बार संकल्प कर देना, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मैं आपको वैज्ञानिकों की खोज के बारे में सुनाऊँ, आधुनिक खोज, अब जो चल रही है पानी पर उनकी खोज। एक युवा वैज्ञानिक पानी पर खोज कर रहा है, दिखाया पानी को, उसने देखा और कहा थैंक यू बस, और पिलाया। ब्लड पहले चेक किया था, बाद में चेक किया, ब्लड के सेल्स में अंतर आ गया। उसने कहा कि ब्लड के सेल्स में इलेक्ट्रिकल करंट आ गया, मतलब कोई एनर्जी आ गई, जो उनकी लैंग्वेज है। अब देखो, एक छोटा सा संकल्प, और हमारे संकल्प कितने पावरफुल हैं। आप पानी को दृष्टि देकर, दूध को दृष्टि देकर, भोजन को दृष्टि देकर संकल्प करना, तुम बहुत अच्छे हो, तुमने हमें जीवन दिया है, तुम्हारे अंदर हीलिंग पावर है, रोगों को ठीक करने की शक्ति है। फिर संकल्प कर देना, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, या मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। आखिर में संकल्प कर देना, इस पवित्र भोजन को खाने से ये शरीर निरोग हो जाएगा। फिर खाओ पियो, बहुत भारी इफेक्ट होगा, बहुत भारी। दूसरी एक बात आप सभी को कहना चाहता हूँ, मैं आपको 3 बातें रख रहा हूँ सामने, ये बिल्कुल सुंदर और नई बातें हैं जिससे आप अपने जीवन में बहुत लाभ ले सकते हैं। जो संकल्प हम करते हैं, हमारा ब्रेन दिमाग, ब्रेन मस्तिष्क, अपने को उन संकल्पों के अनुसार सेट कर देता है। मेरी इस एक संकल्प पे कई डॉक्टरों से अभी चर्चा हुई है, उन्होंने कहा ये बात ठीक है। तो सुंदर संकल्प किया करें। अब किसी को हाई बीपी है तो वो सदा क्या सोचता है, बीपी बहुत हाई रहता है, डॉक्टरों ने भी कह दिया पूरा जीवन गोली खाते रहना, सवेरे उठ के एक गोली आधी गोली खा लेना ठीक रहेगा। तो मन ने क्या मान लिया है, पूरा जीवन हाई बीपी रहेगा और मुझे एक गोली रोज सवेरे खा लेनी है। तो ब्रेन ने उसी तरह अपने को मैनेज कर लिया है और वो हाई बीपी सदा ही रहेगा। जिसको हो वो 7 दिन प्रयोग करके देखना, सवेरे उठते ही करना, बहुत फायदेमंद रहता है, मेरा बीपी नॉर्मल हो गया है, मैं बहुत हेल्दी हूँ, स्वस्थ हूँ, देखना क्या होता है। बस एक संकल्प, 10 सेकंड का काम है। तीसरी चीज मैं आपको एक और कहना चाहता हूँ, जो मैं अभी शुरू कर रहा हूँ, किया है, मैं आत्मा स्वराज अधिकारी हूँ। सब जानते हैं ना किस किस की मालिक हूँ, मन, बुद्धि, संस्कार, आगे बढ़ो, कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ, एक बात और कर दो आगे, लिखूं हैं पांचों की मालिक। तो ये अभ्यास करेंगे, ध्यान से सुन लेंगे और सभी को ये अनुभव प्राप्त करने हैं, योग से स्वास्थ्य, मैं आत्मा स्वराज अधिकारी हूँ और मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बाबा की मुरलियों से आपने जान लिया होगा
जब तक हम सीट पर नहीं बैठेंगे कोई हमारे ऑर्डर को नहीं मानेगा। प्राइम मिनिस्टर का भी ऑर्डर कब माना जाता है? जब वो गद्दी पर है। हार जाए इलेक्शन फिर मानेगा कोई? तो हम सीट पर बैठेंगे। क्या हूँ मैं? मास्टर सर्वशक्तिवान और बोलो बोलो और स्वराज्य अधिकारी। बस अब ये संकल्प करके अपने ब्रेन को कमांड देना, ऑर्डर देना, हे मेरे ब्रेन अब मेरी इस बीमारी को ठीक करो। परिणाम देखना, ब्रेन उसी तरह से अपने को सेट करेगा, बीमारी को ठीक करेगा, क्योंकि ब्रेन में ही सब ताकत है। सिक्रेशन होता है, वहाँ से रसायन का स्राव होता है, रसायन निकलते रहते हैं उनसे, वो बहुत चीज़ें ठीक करते हैं। ये सबको अभ्यास करना है। अभी हम 3 मिनट के लिए स्वराज्य अधिकारी का अभ्यास करेंगे और एक और अभ्यास करेंगे। एक बहुत सुंदर अभ्यास आपके सामने रख रहा हूँ, रोज 1-2 बार कर लेना। हम अपने चारों ओर एक पावरफुल आभा मंडल बनाएंगे। समझते हैं ना आभा मंडल? देवताओं के चारों ओर देखा चित्रों में, किरणें फैल रही हैं, चारों ओर शक्तियों का घेरा बन गया है। कैसे बनाएंगे वो अब सब करते हैं। आत्मा बनकर बैठें अपने मस्तक सिंहासन पर। मैं चमकती हुई तेजस्वी आत्मा, मस्तक सिंहासन पर विराजमान हूँ। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मुझसे चारों ओर शक्तियों की लाल किरणें फैल रही हैं। और मेरे चारों ओर एक बहुत शक्तिशाली आभा मंडल बन गया है। मैं उसके बीच में हूँ। इस आभा मंडल के साथ मैं आत्मा चली ऊपर की ओर। आत्मा उड़ती जा रही है अपने प्रभा मंडल के साथ परम धाम की ओर। पहुंच गई अपने धाम। ये मेरा घर है। यहाँ सुख चैन विश्राम और शांति है। फील करें
शांति धाम की समस्त शांति मेरे चित्त को शांत करने लगी। चित्त शांत हो गया। यहाँ से मैं वापिस अपने सिंहासन पर मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, कर्म इंद्रियों की मालिक हूँ, मन बुद्धि संस्कारों की भी मालिक हूँ, इस देह की भी मालिक हूँ। अब सभी अपने ब्रेन को आदेश दे दें, मेरी इस बीमारी को समाप्त करो, सच्चे मन से मालिक बनकर। ओम शांति। अभ्यास बहुत आवश्यक है। अभ्यास कठिन चीज को भी सरल कर देता है, इसलिए बार बार अभ्यास हमें मालिक बना देगा। और ये स्वराज की स्थिति बहुत बड़ी स्थिति है। याद होगा बाबा, पिछले संडे जब बाबा की मुरली चली, बाबा ने बच्चों को दो चीज़ें याद दिलाई, स्वमानधारी और स्वराज अधिकारी। तो मैं मालिक हूँ मन और बुद्धि की, मन की मालिक हूँ मैं, ये अपने को अवेयरनेस, ये स्मृति अपने को दिलाते चलो। तो मन भी स्वीकार कर लेगा कि ये मेरे मालिक हैं, फिर मन हमारी बात को स्वीकार करेगा। क्योंकि संसार में एक बहुत बड़ी समस्या जो उग्र रूप लेती जा रही है वो है ज़्यादा सोचने की आदत। इस समय युवकों में ये समस्या तूफानी रूप से आगे बढ़ रही है। इसको ठीक करने का ये एक सुंदर स्वमान है, मैं स्वराज अधिकारी हूँ। बहुत अभ्यास करेंगे, बहुत अभ्यास माना दिन में 3 बार भी कर लो रोज, तो काफ़ी हो जाएगा। और एक बार ये प्रभा मंडल बना दें अपने चारों ओर। पसंद है? बहुत अच्छी तरह ये आभा मंडल निर्माण करेंगे, इससे सदा आप सेफ रहेंगे। जैसे अब छोटे मोटे उपद्रव होते रहते हैं, कभी बड़े हो जाएं तो आप पाएंगे कि आप सेफ हैं, सब कुछ सेफ रहेगा। हम कल जन्मभूमि देखने गए तो बताया वहाँ कि 5 आतंकवादी आ गए थे, कभी ग्रेनेड फेंक दिया था वहाँ, वो फटा ही नहीं। देख लो, जिनके चारों ओर ये आभा मंडल होगा, गोली भी नहीं आएंगी, आभा मंडल से टकरा के वापस चलेगी नहीं बंदूक। तो बहुत बड़ी शक्ति है हम सबके पास, इस शक्ति को हम बढ़ाते चले। बहुत बड़ी शक्ति है ये, अभ्यास करते चलना है। तो बहुत ध्यान देंगे अभ्यास पर। हम स्वमानधारी हैं,
सभी बहनें अपने अपने घरों में एक स्वमान का अभ्यास करेंगी और अनुभव देखें क्या होता है। मैं इस घर की इष्ट देवी हूँ, अपने अपने घर की करने हैं ये अभ्यास, इसलिए मैं ज़्यादा अभ्यास नहीं बताऊँगा, थोड़े से ताकि आपको याद रहें। मैं इस घर के, दो चार बार बस फीलिंग्स सहित, केवल रिपीट नहीं करना है, मैं हूँ, ये घर मेरा मंदिर है, मैं इसमें कौन हूँ, इष्ट देवी। देखना क्या होता आपके घर का मंदिर बन जाएगा। जो माताएं करती हैं मुझे अनुभव सुनाती हैं, बहुत परिवर्तन आ गया, सब में परिवर्तन आ गया। तो एक भोजन बनाते हुए, एक मैं इस घर की इष्ट देवी हूँ, और एक औरा बनाना सवेर सवेरे, वो एक बार बना देना, लेकिन अपने घर में 5 बार बाप दादा का आह्वान। ये बहुत सुंदर प्रैक्टिस, छोटी बात नहीं समझना, ये सब योग। बाप दादा को बुलाओ, फील कर आंगन में या कमरे में आकर खड़े हो गए हैं, और बाबा की किरणें चार, आपके घर की बैड एनर्जी नष्ट हो रही है, विघ्न नष्ट हो रहे हैं, व्यसन नष्ट हो रहे हैं, बहुत सुंदर माहौल, बाबा हर चीज को दृष्टि दे रहे हैं, मजा आ जाएगा, आनंद की फीलिंग होने लगेगी तुरंत। बस एक प्रोग्राम बनाओ, करना है, ये नहीं शाम को सोचे तो भूल गए, लिख के रख देना कहीं ये 3-4 बातें, और इनको करना है। भाई लोग कौन सा स्वमान लेंगे अपने घरों में, माताएं तो इष्ट देवी हो गई, भाई लोग इष्ट देव हैं, कौन सा, हनुमान, गणेश। आजकल हनुमान की बड़ी मान्यता, बड़े बड़े स्टैचू बना रहे हैं जहाँ तहाँ। मैं इस घर में एक महान आत्मा हूँ, बहुत गुड फीलिंग के साथ, मैं पूर्वज हूँ, ये 2 स्वमान याद रखना, वैसा ही वाइब्रेशंस घर में फैलने लगेगा, व्यवहार वैसा हो जाएगा, लोगों से वैसा ही सम्मान मिलेगा। याद रखेंगे बाबा का महावाक्य, जो आत्माएं स्वमान में रहती हैं सम्मान परछाई की तरह उनके पीछे आता है। सभी ध्यान दें, बहने कहें हमारा पति सम्मान नहीं देता, सुनता नहीं, बच्चे बात नहीं सुनते, भाई कहें समाज में हमें सम्मान नहीं मिलता, जॉब में लोग हमारी मजाक करते हैं, हमारी बात नहीं मानते, स्वमान से सब सहज हो जाएगा। करके अनुभव करना है सबको, स्वमान सम्मान का पात्र बना देता है, स्वमान हमारे उसी स्वरूप को जागृत कर देता है। स्वमान पर बहुत ध्यान देना है। अभी हम बाबा का आह्वान करेंगे, और आह्वान यहाँ नहीं, आप अपने अपने घरों में बाबा को बुलाएंगे यहाँ से। अब लाल लाइट करो भाई, चलें, ले चलो बुद्धि को परम धाम, और स्थिर कर दें अपनी बुद्धि को सर्वशक्तिवान पर। महाज्योति परम धाम में चमक रही है, उसकी शक्तियों की अनंत किरणें चारों दूर दूर तक फैल रही हैं।
बाबा को प्यार से निमंत्रण दें। हे सर्वशक्तिवान मेरे खुदा दोस्त मन के मीत, हम आपके प्यारे बच्चे आपको बुला रहे हैं। अपना धाम छोड़कर हमारे घर में आ जाओ। हमारा प्यार भरा निमंत्रण सुनकर सर्वशक्तिवान नीचे उतरने लगे। सूक्ष्म लोक में ब्रह्मा तन में प्रवेश किया। अब दोनों नीचे आ रहे हैं। बाप दादा हमारे घर में, उनके अंग अंग से पावरफुल किरणें पूरे घर में फैलने लगी। बाबा चार ओर घूमकर सब जगह दृष्टि दे रहे हैं। हमारे घर से बैड एनर्जी नष्ट होने लगी। घर के सभी विघ्न लोप होने लगे। घर में सुख शांति प्रेम के वाइब्रेशंस फैलने लगे। अब मैं बाबा के सामने हूँ। बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं और दृष्टि देकर बाबा वापिस अपने धाम ओम शांति। ऐसे बुलाया करेंगे बाबा को, इजी है, इतना भी टाइम ना हो, बाबा आ जाओ, बस आ गए, इतना ही है। परीक्षा देने गए हैं बच्चे, बाबा आ जाओ, मदद करना, मदद मिलने लगेगी। पांच बार करो, सुखद फीलिंग होगी, चित्त शांत होगा। संकल्प करना घर में सुख शांति चैन विश्राम फैलता जा रहा है। ये भूलना नहीं है कि जैसे संकल्प हम करेंगे वाइब्रेशंस वैसे ही बनेंगे। बाबा का उमावाक्य याद दिला दूं, फायदा उठाएंगे सभी उसका। जब भी मुश्किलात आए क्या कहना, माताएं कहती ही नहीं है, इधर वाली तो कहती नहीं, बोलो पीछे वाले, मेरे बाबा प्यारे बाबा आ जाओ मदद करो। जैसे अपनों को कहा जाता है ना अधिकार से, भक्तों की तरह नहीं, हे भगवान मदद करो बहुत दुखी हूँ, ये नहीं, आओ मदद करो तुम्हारी जरूरत है, तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा। तो चौथी लाइन क्या बोली,
बाप भी बंधा हुआ है मदद करने के लिए। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? और वो क्या कहे इससे ज़्यादा, सोच लो। भगवान खुद कह रहा है मुझे बुलाओ, मदद करूँगा, बंधा हुआ हूँ। बच्चे हैं ना, हमारे लिए ही तो आया है, मदद करने ही तो आया है। मदद ले लो, जो मदद लेना जान गए, अनेक बातें जीवन की खत्म हो गई। लो मदद उसकी, जब मदद देने वाला मदद दे रहा है तो लेने वाले क्यों नहीं लेते। बाबा ने बहुत लवली बात कही। बाबा देखता है बच्चे मदद लेने के लिए दो भुजा वालों के पास जा रहे हैं, हजार भुजा वाले के पास नहीं आते। उसे भी तो लगता होगा परेशान हो रहे हैं, यहाँ जाएं वहाँ जाएं कोई नहीं सुन रहा है, मेरे पास नहीं आते जो सुनता है। बाबा ने पीछे मुरली में कितनी स्वीट बात कही थी, तुम मेरी कम सुनते हो, माया की ज़्यादा सुनते हो। बहुत प्यार करता है बाबा, लेकिन हम क्या कहेंगे? ये तो बाबा ने कहा था, हम क्या कहेंगे? नहीं बाबा, हम आपकी ही सुनते हैं, आपकी ही सुनेंगे, माया की बिल्कुल नहीं सुनेंगे। कहेंगे या नहीं? तो बाबा मदद देने के लिए हर पल तैयार है, ऐसी आदत डाल दो। क्योंकि आने वाला समय कुछ और होगा, खतरे हो जाएंगे जहाँ तहाँ, फट से बस याद आए बाबा आओ, और आओ कहने का भी मौका ना हो बाबा। कभी ऐसा भी होता है ये कहने का मौका नहीं होता, मेरे सामने आया पीछे, धरती हिलने लगी तेज आबू में, और मैं बैठा था, पता नहीं सवेरे का 4 बजे का टाइम था या शाम का, और मैंने अपने को भी देखा तेज हिली, उसमें कोई डाउट नहीं था क्या हो रहा हो, साफ दिखता था धरती हिल रही है, और बुद्धि ऊपर गई, बाबा भी नहीं कहा, बुद्धि ऊपर चली गई। तो ऐसी अच्छी आदत डाल लें बाबा, और बाबा की उपस्थिति हो जाएगी, ये विश्वास कर लें सभी। इतना प्यार है उसका हमसे, बस संकल्प किया और आ गया, तो क्या करेंगे भाई? बोलो अब पीछे वाले, मदद लेंगे। भाई हम अकेले तो कुछ नहीं कर सकते ना, बाबा हमारा साथी है, कंबाइंड है। आज बाबा ने कहा, जिन्होंने मुरली सुनी वो उन्हें सुना है, बाबा विदेशियों से बात कर रहे थे। विदेशी कैसे होते हैं? थोड़ी सी परेशानी हुई, उदास हो गए, अकेलेपन की फीलिंग हो गई, घर छोड़ के गए सागर के किनारे, घर छोड़ के गए दूसरा देश घूमने, अकेले उदास घूम रहे हैं। बाबा ने कहा अकेले नहीं, मैं साथ हूँ, यही तो भूल जाते हो, तो उदास हो के अकेले घूमते रहते हो, मैं कंबाइंड हूँ तुमसे, ये याद रखो। तो भगवान स्वयं मदद दे रहा है, हर जगह उसकी मदद ले लो। बीमारी भी हो जाए ना सीरियस, बाबा सुप्रीम सर्जन हो, आ जाओ, देखो चमत्कार होंगे आगे चल के, ये बहुत होने जा रहा है। हमने तो समय देखा है, यज्ञ में दवाई नहीं होती थी, पैसे भी नहीं होते थे, विद्या दीदी को पता है बाबा क्या खिला देता था। उस दिन मुरली में भी कहा, बच्चे को मलाई और रोटी खिला दो, दो बार खिलाई बच्चे ठीक। हाँ, क्या क्या कर दिया, किसी को कहा मक्खन खिला दो इसे 7 दिन, ठीक। दमा हो रहा है, खिला दिया छाछ डोढ़ा, लोग परेशान, छाछ पी के दमा बढ़ जाएगा, उधर दमा ठीक हो रहा है। भगवान की दवाई भी तो ऐसी हैं, मुझे भी खिलाया था, बुखार रहता था बहुत, ऊपर से मैसेज आ गया, बच्चे को 7 दिन देसी घी का हलवा खिला दो। मैं कहा देखो भगवान की दवाई कैसी सुंदर है, हलवे से बुखार ठीक कर रहा है।
तो टॉनिक भी और बीमारी भी। निर्मल बाबा भी कहते हैं समोसे खा लो, जलेबी खा लो, मुझे दिख रहा है समोसा, तुमने खाया नहीं होगा, खा लो। तो बाबा की शक्तियों को यूज करेंगे, बहुत बड़ी शक्ति हमारे पास है। हम माताओं के पर्स में 10,000 रुपये पड़े हों और सिर दर्द की दवाई लेनी हो और भूल गए हों कि पैसे तो पर्स में ही हैं, तो क्या होगा? सिर दर्द परेशान करेगा ना, यूज करना है। अब भगवान कहता है मुझे यूज करो, तो क्यों नहीं करें? बुलाते रहे, पुकारते रहे, युगों से मांगते रहे, मेरा बच्चा बीमार हो गया, इसे ठीक करो, मदद करो। अब जब मदद करने आ गया, पूरी मदद ले लो। बस इसको पक्का करना है जीवन में। सारा खेल मनुष्य के संकल्पों का होता है, हम क्या सोचते हैं इसमें ही तो सारा खेल है। जितना जो अच्छा सोचेंगे उतना जीवन सुखों से भरा हो जाएगा। मुझे ऐसा व्यक्ति मिला पीछे, 90 साल का, मिलिट्री से रिटायर, 90 साल का, साइकिल चलाता है, रोज़ 20 किलोमीटर आता जाता है, सेवा में लगा हुआ बाबा की। मैंने कहा 90 साल के साइकिल चला रहे हो? कहा बिल्कुल वैसा ही हूँ मैं तो। कहाँ ताकत है? मन में। ये असली ताकत मनुष्य के मन में होती है, इसको स्ट्रॉन्ग कर देना है। तो मन के संकल्प हमारे बहुत सुंदर हों। थोड़ा सा मैं आपको बोल देता हूँ, हमारे हर संकल्प में निर्माण करने की शक्ति है। सरल भाषा है ये। क्या है हर संकल्प में? हमारे हर संकल्प से शक्ति जनरेट होती है, शक्ति पैदा होती है। और वो शक्ति पहले कहाँ जाती है? पहले ब्रेन में जाती है, देह में फैलती है, फिर बाहर फैलती है, वातावरण को बदलती है। बहुत बड़ा काम मनुष्य के जीवन में उसके संकल्पों का है। इसलिए क्या सोचना है और क्या नहीं सोचना, इस पे थोड़ा सा ध्यान देना है। कहीं हम गलत तो नहीं सोच रहे हैं, ये ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, गलत सोचने की आदत तो नहीं पड़ गई है। एक माँ बहुत दुखी एक संकल्प से, छोटे बच्चे दो स्कूल जाते हैं, एक चौथी क्लास में, एक तीसरी क्लास में है, वो क्यों दुखी है? कहीं मेरे बच्चों का कोई अपहरण न कर ले। सच्ची बात बता रहा हूँ, उन्हें मुझे फ़ोन किया, कहीं मेरे बच्चों का अपहरण न कर ले। मैंने उसे पूछा, बहुत दुखी थी, कहा मैं तो दरवाजे पे खड़ी रहती हूँ, बच्चों का इंतज़ार करती रहती हूँ, अगर 5 मिनट लेट कर दिया आने में तो मेरा बस धरती खिसकने लगती है पैरों के नीचे, के आज तो लगता है गए, अपहरण हो गया। मैंने कहा किसने बताया तुम्हें? कि एक दिन अखबार में पढ़ा था। तो मैंने कहा तुम क्या काम करते हो? कि पति नौकरी करता है, मैं घर में रहती हूँ। मैंने कहा सेठ हो क्या? कि नहीं। अगर तुम्हारे बच्चों को उठा के घर से खिलाएंगे वो उठाने वाले? वो तो किसी ऐसे को उठाएंगे ना जिसके पास पैसे बहुत हों, पैसा मिले। फिर मैंने उसे ये बात जब सिखाई ना, तो बस उसका अच्छा समय था, खुद तुरंत ग्रहण कर ली कि ये बात ठीक है। मैंने कहा उसको तुम रोज ये संकल्प कर रही हो तो तुम बच्चों के अपहरण का इंतजाम कर रही हो। ऐसा है क्या? हाँ। मैंने कहा क्यों नहीं सोचती, मेरे इस बच्चों के साथ तो भगवान है, ये तो सदा सुरक्षित हैं। ये सोचने में कुछ पैसे खर्च होंगे तुम्हारे? आज से सोचूंगी। ठीक हो गई, सदा के लिए ठीक हो गई। संकल्प जिनको भी उल्टा सोचने की ज़्यादा आदत पड़ गई हो, वो समझें, संभलें, हमारे हर संकल्प में निर्माण शक्ति है। उदाहरण बहुत हैं मेरे पास,
एक माता आई बाबा से मिल ली, कई साल पहले की बात है, चेहरा सूखा हुआ। मैंने कहा क्यों, बाबा से मिलन का सुख नहीं मिला? कहा नहीं मिला तो है। मैंने चेहरा क्यों सूखा हुआ है? कहा हम पांच बहनें हैं, तीन को कैंसर हो गया है, एक की मृत्यु हो गई, मुझे लगता है मुझे भी हो जाएगा। सच्ची सच्ची घटना है ये। मैंने कहा किसने बताया तुम्हें? डॉक्टर ने कहा है। नहीं, तीन को हो गया ना तो हम दोनों को भी होगा, पक्का विश्वास था उसको। फिर मैंने उसको समझाया, 7 साल से ज्ञान में मैंने उसको समझाया, तुम तो कैंसर का आह्वान कर रही हो। और डर उसके अंदर बहुत ज़्यादा था। आखिर उसको समझा बुझा के मैंने, मुझे उस पर बड़ी दया आई, अच्छे घर की थी। मैंने समय दिया उसको 5-7 मिनट और उसको समझा बुझा के तैयार किया, कैंसर तुम्हें नहीं होगा, रिजेक्ट करो, नहीं होगा। तब वो उसके चेहरे पे थोड़ी चमक आई, कहा आप कहते हो ना नहीं होगा तो अब नहीं होगा। अब देखो कैसे कैसे विचार। तो ये सोचने की आदत पसंद है, बहनों को पसंद है, बहनों में ज़्यादा होती है, थोड़ी सी ज़्यादा सोचते हैं मेरे बच्चों को कुछ हो न जाए। क्यों हो जाएगा? ऐसे ही सोच रहे बैठे बैठे बच्चों को कुछ हो न जाए, नहीं होगा। सुंदर संकल्प करो, मेरे बच्चे बहुत अच्छे, इनका भविष्य बहुत सुंदर। माताओं की ये समस्या रहती। अभी एक अमेरिका से युगल आए, भारत के थे, 2 बच्चे, लड़की छोटी 5 साल की, बहुत खुश, उछल कूद कर रही, मेरे पास आए बार बार तो टोली लेने आ जाए, 5 मिनट में 5 टोली देनी पड़े उसे, खा पी के फिर आ जाए, दूसरी दो, बिल्कुल कहा दूसरी दो। दूसरी बड़ी लड़की, और वो माँ को चिंता, मुझे इसकी बहुत चिंता है, पता नहीं इसका भविष्य कैसा होगा। मैंने पूछा क्यों? कि नहीं बस ये बहुत चंचल सी है। तो मैंने कहा बच्चे तो चंचल होते ही हैं, तुम भी तो जब बच्ची थी चंचल थी, क्यों परेशान हो रही हो? तो इतनी चिंतित थी वो कि उसका योग ना लगे। तो क्या सोचेंगे बच्चों के लिए? मेरे बच्चों का भविष्य बहुत उज्जवल है, ये सोचने में नुकसान है क्या? माँ के हर संकल्प का प्रभाव बच्चों पर आता है। अच्छा सोचो, मेरे घर में महान आत्माएं हैं, ये सब, ये बहुत भाग्यवान बच्चे आए हैं हमारे घर में, ये इनके आने से हमारा भी भाग्य जग गया है। सुंदर सुंदर विचार करो। पसंद है माताओं को? अब एक सुंदर विचार आपको करा देता हूँ, वो सभी कर लेना मेरे साथ। आज से सब कुछ अच्छा होगा। बोलो मुख से, मेरे साथ आज से सब कुछ। पेपर देने से पहले भी यही करना, मेरा पेपर आज बहुत अच्छा होगा। ये नहीं पता नहीं क्या आएगा, पता नहीं क्या क्वेश्चन आउट ऑफ कोर्स ना आ जाए, हार्ड पेपर ना आ जाए, ये सब नहीं, बहुत अच्छा होगा। समझ रहे सभी? अपने बच्चों को भी सिखाना है, डर निकाल दो उनका, नहीं तो बच्चे एग्जाम से डरते बहुत हैं, जो याद होता है ना आधा भूल जाते हैं पेपर देखते ही। नर्वस नहीं होना है। तो आज से सब कुछ अच्छा होगा तो क्या होगा? अच्छा ही होने लगेगा। आपको ये प्रयोग करके देखने हैं अपने जीवन में, हर जगह देखो, जहाँ लग रहा हो ना, देखो कैसे प्रयोग करेंगे। माताएं मेरी ओर देखो, कैसे प्रयोग करेंगे? कहीं लग रहा है आपको कि कुछ गड़बड़ हो सकती है, संकल्प करो। अब 3 संकल्प करने हैं। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा क्योंकि मेरे साथ स्वयं भगवान है और मैं बहुत भाग्यवान हूँ। एक बार करने से ही वो जो बुरी घटना होने भी जा रही है ना, चेंज होनी प्रारंभ हो जाएगी। ये एक सूक्ष्म गति आप समझ लें। हम घटनाओं को बदल सकते हैं, हम में परिवर्तन की शक्ति है।
बाबा याद दिलाते हैं, पीछे मुरली में भी याद दिलाया, तुम प्रकृति को उत्तमो प्रधान से सतो प्रधान बना सकते हो, इतनी ताकत है तुम में, तो क्या क्या नहीं कर सकते। बाबा बात कर रहे थे ना, घृणा भाव नहीं, सुभाव हो, कभी नहीं कहना ये व्यक्ति बदलेगा नहीं, हम तो थक गए इसको समझा समझा के, ये बदलने वाली नहीं है, फाइनल स्टैंप लगा देते हैं, अब नहीं बदलेगी, तो क्या होगा, मुश्किल हो जाएगा ना। महान आत्माओं ने कह दिया अब नहीं बदलने वाला है ये, तो स्टैंप लगा दी। बाबा समझा रहे थे नहीं, तुम ये नहीं कह सकते, तुम तो परिवर्तन करने वाले हो। बाबा ने कहा कभी ये बदलेंगे नहीं मेरे बच्चे, क्या कहा, कल पहले भी यही महान बने थे फिर बनेंगे, कल पहले तुमने ही माया को जीता था फिर जीतोगे। कितनी सुंदर ये लैंग्वेज है बाबा की, सुप्रीम टीचर बनकर आया तो कितना अच्छा पढ़ाता है, तो ये संकल्प याद रहेगा ना, मेरे साथ सब कुछ क्योंकि और मैं, ये पक्का करना और इसके प्रयोग करके देखो जीवन में। कुछ धारणाओं पर हमें ध्यान देना है बहुत, उन धारणाओं में एक धारणा है सहज जीवन, अपने जीवन को सहज जीवन का आनंद लेते हुए जीना है, ये सहज भाव से जीना जिसने सीख लिया समझ लें उसने बहुत बड़ी विद्या प्राप्त कर ली, सहज भाव। और इसके लिए याद रखना है जैसा हम चाहेंगे वैसा ही सब कुछ नहीं होगा, या होगा ऐसा नहीं होता, एक्सपेक्टेशंस को कम कर दो, कामनाओं को कम कर दो तो बहुत सुखी हो जाएंगे। हर एक का अपना अपना पार्ट है ना, हर एक का अपना अपना संस्कार है जीवन में, यह सबके एक से संस्कार हैं, किसी में कोई कमी है किसी में कोई खूबी है, ये तो है ही कलयुग के अंत में। स्वीकार करना दूसरी धारणा, बहुत ध्यान देंगे इस धारणा पर, स्वीकार करना, क्या क्या स्वीकार करना है, अब थोड़ा विस्तार से देख लें। पहले तो जो स्वमान बाबा ने हमें दिए हैं उनको स्वीकार करें, ये मैं हूँ, अपनी किसी कमी को भी स्वीकार करें और अपनी महानताओं को भी स्वीकार करें। कमियों को स्वीकार करेंगे तो बदल देंगे, महानताओं को स्वीकार करने से वो महानताएँ जीवन में आ जाएंगी। स्वीकार करना है हमें उन चीज़ों को जिनको हम बदल नहीं सकते, चाहे हमारी हो या दूसरों की, हमें स्वीकार करना है। वाइब्रेशंस देने हैं, फिर आपके घर में कोई व्यक्ति है ऐसा वैसा करता है, सब उससे परेशान होते हैं, परेशान होने से क्या होता है, अपनी एनर्जी नष्ट होती है, तो हम उसको प्रभाव नहीं डाल सकते। अगर हम परेशान न हो के उस व्यक्ति को वाइब्रेशंस देने लगें तो व्यक्ति कुछ दिनों में परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए उन चीज़ों को भी स्वीकार कर लेना है जिन पर हमारा अधिकार नहीं है। अभी सृष्टि के बहुत सारे विधान पे तो हमारा अधिकार नहीं है ना, धुंध पड़ रही है सवेरे बहुत, अब कोई परेशान होने लगे क्या ये धुंध इसने ख़राब कर दिया सब कुछ, सूरज ही नहीं निकलता, हम तो दुखी हो गए, ठंड बहुत लगती है, कुछ दिखता ही नहीं, होगा कुछ, धुंध हट जाएगी। लेकिन अगर उसे हटानी है तो क्या करेंगे बताओ, कुछ किया भी जा सकता है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, प्रकृति की मालिक इस स्वमान से फिर संकल्प करेंगे, हल्की हो जाओ, हल्की होने लगेगी।
प्रकृति के हम मालिक बन सकते हैं, लेकिन दुखी होते रहे, रोज परेशान होते रहे, बहुत बारिश हो रही है, दुखी हो गए हम तो, कीचड़ कीचड़ सब जगह है, कपड़े भी नहीं सूखते हैं, बड़ी गंदगी हो गई है, दुखी होने से रुक जाएंगे? एंजॉय करो। देखो, हम मधुबन में पहुँचे, छोटे बच्चे थे, वहाँ बरसात बहुत होती थी, उन दिनों बहुत होती थी, फोग रहती है जैसे यहाँ, धुंध ना इससे कहीं ज़्यादा, बादल नीचे, परेशानी होने लगी, एक एक मास तक सूरज दिखाई ना दे, परेशानी होने लगे, कपड़े गीले, तब साधन नहीं होते थे सुखाने के। मैंने सोचा परेशान होने से क्या फ़ायदा होगा, अब मैं घूमने चला, मैंने सोचा वाह सूक्ष्म वतन नीचे उतर आया है, मैं सूक्ष्म वतन में घूम रहा हूँ फरिश्ता, मज़ा आने लगा। उसमें ठंड तो नहीं होती, बरसात के दिन होते हैं। संकल्प बदलते ही स्थिति बदल जाती है, संकल्पों को महान बनाना है तो सहज जीवन, उन चीज़ों को स्वीकार कर लें जिनको हम बदल नहीं सकते और आनंद लें। हमें तो खुश रहना है, बाबा की बात हम सदा ही सुनते हैं, ज्ञानी आत्मा वो जो मान अपमान सुख दुख हार जीत निंदा स्तुति में समान रहे। तो काम करेंगे ना इस पे, मैंने भी काम किया, लोग निंदा करते थे, मैं सोचता था ये निंदा क्यों करते हैं, हम इतने अच्छा काम करते हैं, हमने इनका क्या बिगाड़ा, पहले ऐसे सोचते थे, तो खुशी गुम होती थी। फिर थोड़ी धीरे धीरे रोशनी बढ़ती गई, संसार में ऐसा कोई मनुष्य हुआ ही नहीं जिसकी निंदा ना हुई हो, स्वामी विवेकानंद हुए, महात्मा गांधी हुए, अभी अभी के जिन्होंने बड़े बड़े काम किए, लोगों ने उन्हें गाली भी बहुत दी, लेकिन उन्होंने किए, निंदा से वो रुके नहीं, कार्य किए, और निंदा उसी की होगी, मेरी समझ में आ गया, ये जो निंदा कर रहे हैं ये तो कुछ काम ही नहीं करते, जो करता है निंदा उसी की तो होती है भाई, गलती भी उससे ही तो होगी जो कुछ काम करेगा, जो कर ही नहीं रहा उससे गलतियां कहाँ होंगी। हल्का हो गया चित्त, और फिर भगवान ने कहा तुम्हें समान रहना है तो समान रहना है। सहनशील होने की आज्ञा किसने दी हमें, तो हमें इसलिए भी सहन करना है क्योंकि वो भगवान की आज्ञा है, हमें बाबा ने मुरली में कहा था, तुम इसलिए भी सहन करो क्योंकि वो बाप की आज्ञा है तुम्हें, सहन करेंगे तो बहुत सुखी रहेंगे ना। तो सभी बहुत ध्यान देंगे सहज जीवन, जीवन का आनंद लेंगे, संतुष्ट होकर चलेंगे। और एक बात जो मैं सदा कहता हूँ क्लासेज में, आपने बहुत सुनी होगी लेकिन वो तो बार बार सुननी चाहिए, बातें बड़ी नहीं होती, हम सोच सोच कर उन्हें बड़ा कर देते हैं। सुखी रहना है तो इस आदत को बदलना है, ठीक है। ओम शांति।